दरियां संग जाए, दिल दरियां ढल जाए, इश्क-ए-दरियां रंग जाए, मट्ठा भी मट्ठी भी लागे, खट्टा भी मीठी भी लागे, थोड़ी सी तीखी भी इश्क-ए-दारी, कच्ची भी पक्की भी लागे, झूठी भी सच्ची भी लागे, थोड़ी सी अच्छी भी इश्क-ए-दारी, सर आपने ऑलरेडी इतनी बड़ी फिल्म के साथ कंपैरिजन किया, आई थिंक वो हमारे फिल्म के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, बट नहीं ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन है नहीं, एक पूरी न्यू फ्रेश कहानी है इश्क-ए-दारियां, ऑफ कोर्स प्यार की कहानी है तो वो एक कॉमनैलिटी है साजन और इश्क-ए-दारियां में, बट बिसाइड्स दैट इश्क-ए-दारियां इज अ वेरी न्यू येट लव रिलेटेड लव स्टोरी। फिल्म में आपका जो किरदार है वो विदेशी लड़के का जी, और जो हीरोइन है वो, लेकिन निजी जिंदगी में ये पूरा उल्टा है, तो पोर्ट्रे करें टीचर का रोल, क्या कितने चैलेंजेस और वो भी इंडियन इंडियन। I think the most amazing thing for an actor is when you get a role completely different from your actual personality or your actual character. So playing a completely Indian girl. दिल दारियां ढल जाए, इश्क-ए-दारियां रंग जाए, मट्ठा भी मट्ठी भी लागे, खट्टा भी मीठी भी लागे, थोड़ी सी तीखी भी इश्क-ए-दारी, कच्ची भी पक्की भी लागे, झूठी भी सच्ची भी लागे, थोड़ी सी अच्छी भी इश्क-ए-दारी, सर आपने ऑलरेडी इतनी बड़ी फिल्म के साथ कंपैरिजन किया, आई थिंक वो हमारे फिल्म के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, बट नहीं ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन है नहीं, एक पूरी न्यू फ्रेश कहानी है इश्क-ए-दारियां, ऑफ कोर्स प्यार की कहानी है तो वो एक कॉमनैलिटी है साजन और इश्क-ए-दारियां में, बट बिसाइड्स दैट इश्क-ए-दारियां इज अ वेरी न्यू येट लव रिलेटेड लव स्टोरी। फिल्म में आपका जो किरदार है वो विदेशी लड़के का है जी, और जो हीरोइन है वो, लेकिन निजी जिंदगी में ये पूरा उल्टा है, तो इसको क्या पोर्ट्रे करें टीचर का रोल, क्या कितने चैलेंजेस और वो भी इंडियन, जो आपके दिमाग में था इस रोल को पोर्ट्रे करते वक्त। वेल माय डायरेक्टर मिस्टर वी के प्रकाश, जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, उन्होंने डेफिनेटली मुझे और एवेलिन को बहुत वर्कशॉप दी थी, उन्होंने कहा था कि महाक्षय और एवेलिन आपको ये कैरेक्टर बनना, यू डोंट हैव टू बी के महाक्षय सेट पर आया, एवेलिन शर्मा सेट पर आई और ये बात कर रही है, इट वॉज लवली एंड आगम थ्रू आउट द टाइम। ऑफकोर्स हम लोगों ने कोई कंपेरिजन किसी एक्टर के साथ नहीं किया, हम लोगों ने इनफैक्ट कैरेक्टर का बैकलॉड किया कि इनकी कहानी क्या रह चुकी है एंड वॉट हैव दे बीन थ्रू, तो दैट इज द प्रोसेस आप देखेंगे इस फिल्म।